जिस समय, और जिसमें हमारी लीना गुप्ता जी अहमदाबाद से थी, दिल्ली से डॉक्टर सच्चिदानंद शांडिले थे, मैं था एक्चुअली, ऐसे करके कुछ लोग थे। तो हमने तो एक पूरा, मेरे मन में जो विजन बना, मेरे गुरुदेव के भी आप थे, जो उन्होंने समाधि भारत के राजदूत के सम्मान में भोज करके उसके सामने शरीर छोड़ा, ये दुर्लभ घटना है। और 21 दिन तक शरीर जो दर्शन के लिए रखा, उसमें परिवर्तन भी नहीं हो गया। तो भारत के आने वाले, भारत की भूमि का तो देखे गए हैं, जो बिनोबा जी ने भी कहा कि धर्म और राजनीति के दिन लद गए, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का युग आया। मैं तो उसी भूमिका के लिए अपने जीवन को अर्पित करने की तरफ जा रहा हूँ। 72 साल की मेरी उम्र है, तो भगवान जो कुछ करा ले वो बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, जब सच्चे मन से आप कोई बात करते हैं जी, तो कनायत उसको फलीभूत करने के लिए तैयार हो जाती है जी। और यही कारण है कि बहुत सारे विद्वत जन जो अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं जी, वो जुड़ते हैं और एक ऐसी सिनर्जी पैदा होती है कि जो कि शायद हम लोग अकेले पैदा नहीं कर सकते हैं। ये ना सही बात है जी, जी, जी। तो मालूम नहीं आपने अभी मेरा आज का ही जस्ट मैंने एक वीडियो भेजा है, वो आपने देखा है कि नहीं देखा है? नहीं आज का वीडियो तो नहीं भेजा, नहीं देखा मैंने। पर ये क्या, आज आपका ये जो अतुल जैन सीए हैं उनसे चर्चा हो रही है, और हमने एक कॉन्सेप्ट लाया है जिसमें अपन ने ये बात कही है, और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब हम जो है ना क्राइम फ्री भारत में इंटीग्रेट कर देंगे। आप चिंता मत करिए, आपके जो है ना सभी चीजों को हम जमीन पे उतारेंगे जी। जी मतलब चाहे वो स्वास्थ्य वाली हो, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं कि स्वास्थ्य लेके हर चीज की जरूरत है, ठीक है ना, और वो इंटीग्रेटेड लाइफ का हिस्सा है, ठीक है ना। यदि आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, आपके फिजिकल पोजीशन ठीक नहीं है, आपके मानसिक स्वास्थ्य, अकेला जो है ना फिजिकल नहीं है, स्वस्थ मानसिक भी है, ठीक है ना। मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चार पार्ट है उसके, इसीलिए उसको जो है टोटल स्वास्थ्य में जो है आपकी पूरी विकास यात्रा है, कोई चीज छूटती नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसमें अर्थ यात्रा भी है, ठीक है ना जी। जी तो आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है जी। देखो पहला अटैक तो यही है कि जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, वो सब विषाक्त बना दिया गया है, ठीक है ना। तो इलाज के माध्यम से स्वस्थ हासिल आप करेंगे, तो जो विषाक्त चीजें ला रही हैं वो तो आपको कभी ना कभी उल्टा पटक ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आप जो विषाक्त चीजें खा रहे हैं उनको हम डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, और जब तक हम स्वास्थ्यवर्धक चीजों को पैदा नहीं करेंगे, तब तक जो है ये रिवर्स यात्रा संभव नहीं है, ठीक है ना। और हम जो भी प्रयास कर लें, हम जो समय दें तो एक्चुअली एक बार कभी समय दें तो हमने पूरा एक मॉडल इसी ढंग का बनाया है, जिसमें संपूर्ण स्वास्थ्य क्रांति का कॉन्सेप्ट लिया है, व्यवस्था परिवर्तन का कॉन्सेप्ट लिया है। मतलब हम जो है, ये जो चीज आप कह रहे हो ना कि हमको जहर मुक्त है, भोजन चाहिए, तो हमने अभी सेवाश्रम का कॉन्सेप्ट भी इसी पर्पज के लिए लिया है, जिसमें चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे हमारे जगदीश चंद्र, उनको हमने साथ में लिया, तो हम जमीन देख रहे हैं, और हमने भाई जो शहर के लोग हैं, अपनी जमीन अपना उत्पाद, आपको जो है अपनी जमीन से ऑर्गेनिक और सब चीज मिलेगी, तो किसान तो सक्षम नहीं है। किसान को तो जो है भी आपको ट्रेन भी करना पड़ेगा, सक्षम भी करना पड़ेगा कि वो जहर मुक्ति से निकल जाए। तो हमने शहर के लोगों को जोड़ा। देखिए मेरा कहना ये है कि हमारी मेन प्रॉब्लम है मेंटेलिटी ऑफ स्केयरसिटी, जो हमने खुद क्रिएट की है जी। नेचर ने चारों तरफ अवंडेंस दी है जी, तो वो अवंडेंस जो है जब तक हम रिक्रिएट नहीं करेंगे, जो कि हमारा नेचर का ओरिजिनल हिस्सा है, ठीक है ना। देखिए आपको सन एनर्जी हमारे जीवन की सबसे मूलाधार है, राइट चीज है, उस एनर्जी से हमारा और आपका जीवन एग्जिस्ट कर रहा है। यदि सोलर एनर्जी विलोपित हो जाए तो हम सब लोग भी विलोपित हो जाएंगे, ना हम रहेंगे, ना पेड़ पौधे रहेंगे, ना कोई रहेगा, राइट, कोई भी जीव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी एनर्जी से आपकी वर्षा हो रही है, उसी एनर्जी से आपके फल पौधे जो आप अनाज खा रहे हैं वो पैदा हो रहे हैं, और जो हर्बीवोरस हैं जो कि घास फूस खाते हैं वो उसी एनर्जी के चीज को खाके जो है ना, चाहे हिरन हो चाहे कोई भी हो, राइट,
फिर हम कार्निवोरस की बात करें कि जो कि मांस खाते हैं, तो वो मांस कहाँ से आ रहा है? जब हर्बीवोरस घास फूस खाएंगे तो वो मांस पैदा करेंगे, तो इवन जो कार्निवोरस है वो भी उसी घास को खा रहा है, मतलब उसी जो है ना मांस को खा रहा है। तो देखा जाए तो सब चीज जो है कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई है और जो कि अबंडेंस में है। क्या जो है सूर आपसे कहता है कि मैं आपको रोशनी दे रहा हूं तो आप मुझे पैसे दीजिए, कहता है? कोई भी नहीं कहता है, सब प्रकृति में तो क्या, फल भी, क्या, भी क्या, जो, फल नहीं क्या जो पेड़ पौधे अनाज देने वाली जो भी चीजें हैं, क्या वो चीज देने के लिए आपसे पैसा मांगती है? क्या नहीं मांगती है? इसका मतलब है कि जो पैसे का बंधन और स्कर्सिटी पैदा की है वो हमने पैदा की है, हमने की। और हमने जल से लेके, देखो जल को तो बहुत पहले हमने दूषित कर दिया है, राइट, और हम उसे वाटर बॉटल में बेचने में सफल हुए हैं, राइट। अभी जो है दिल्ली वगैरह में आपने कई दिन पढ़ते हैं कि क्लाइमेटिक जो है ना वायु की कंडीशन, एयर की कंडीशन इतनी खराब है, यू आर एडवाइज टू स्टे इनसाइड, राइट, और स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। तो अब ये हम कगार पे खड़े हैं कि बहुत जल्दी हमारे पीठ पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जगह लेने वाले हैं। जैसे ही अभी टेबल पे, खाने की टेबल पे मिनरल वाटर ने जगह ले ली है, बॉटल्ड वाटर ने जगह ले ली है, ऐसी ही जगह बहुत जल्दी जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे। और ये हमारी धूर्तता है, जो भी चीज खराब हो रही है ये सब डेलिबरेटली हो रही है बाय एक्शन और इनएक्शन, और उसको व्यवसाय में कन्वर्ट करने की बैकएंड पे तैयारी जारी है। लोग बाग ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे वो इसे व्यवसाय में कन्वर्ट कर दे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जो कंपनियां एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उनकी ही जो है ना बदमाश लोग वायरस बनाते हैं, राइट, तो वो खुद वायरस बनाओ और फिर एंटीवायरस बनाओ और धंधा पैदा करो। और सिस्टम इतना इफिशियंट है और वो चाटुकर्ता में बिजी है कि उसे आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने इसका एक मॉडल ऑफ अबंडेंस तय किया है। मेरा आपसे अनुरोध, दो तीन अनुरोध है। पहला तो अनुरोध है कि आज वो जो वीडियो आप उसे एक बार सुन लें, इट इज द डिस्कशन ऑफ क्रिएशन ऑफ अबंडेंस मॉडल थ्रू द सीएफवी रिवार्ड पॉइंट सिस्टम। हमने एक रिवार्ड पॉइंट सिस्टम और ज्वाइंट वेंचर ऑफ फार्मर्स एंड एवरीबडी, जिसको जहां जो कंट्रीब्यूट करना है वो उस ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा होगा और बिना पैसे के लेन देन की उसकी एनर्जी वहां पहुंच जाएगी और उसको इंस्टेंटेनियसली रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और एक रिवार्ड पॉइंट की मनी इक्विवेलेंट वैल्यू 1.2 रुपीज से भी ज्यादा होगी। उसकी परचेजिंग पावर जो है इसकी 1.1% होगी, मतलब जो है 10% ज्यादा होगी, राइट, और उसकी ग्रोथ रेट पावर जो है वो बैंक के इंटरेस्ट से भी ज्यादा रहेगा, तो वो फलीभूत भी बहुत जोर से होगा। एक आम आदमी को जो है, जो कि जस्ट लेबर का काम कर रहा है, उसका स्किल डेवलपमेंट करके उसे 48,000 की इक्विवेलेंट परचेजिंग पावर दी जाएगी, राइट। तो आप जरा एक बार उसको ध्यान से सुनिए, नंबर वन, और फिर एक बार हम थोड़े विस्तार से बातें करेंगे कि हम कैसे लोगों को जोड़ पाए। देखो बहुत सारे मॉडल्स अपने अपने करते रहेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो हम अपने मॉडल में परोके प्रोडक्ट और सर्विसेज के रूप में, ज्वाइंट वेंचर के रूप में जमीन पे उतार देंगे, राइट, और जो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसे इंस्टेंटेनियसली रिवार्ड मनी मिलेगी, रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, जो कि क्लिक ऑफ बटन में रिडीमेबल होंगे। जैसे ही आप बटन दबाएंगे जब आप चाहेंगे, हालांकि हम ये चाहेंगे कि रिवार्ड पॉइंट के फॉर्म में ही बने रहें, और रिवार्ड पॉइंट जो कि अबंडेंस के साथ हैं तो वो कहीं धन की कमी को परिलक्षित नहीं होने देंगे, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि आप उस रिवार्ड पॉइंट को रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसी ऐप से बटन दबाएंगे आपके अकाउंट में उतना पैसा पहुंच जाएगा। ऐसी पावरफुल व्यवस्था
और इसको व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए आपका जो हेल्थ मॉडल है, क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है। मैं आपको एक नाम दूंगा, कमल टावरी, जो शुभलाभ के ऊपर काम मैं कर बहुत रहे अच्छे हैं। तरीके से जानता हूँ, और मेरा ये भी सोचना है कि ये ब्यूरोक्रेट जो है इनके इतने अनुभव हैं नेगेटिव कि ये छोटी से बात सोच पाएंगे, बड़ी बात सोची नहीं पाएंगे। आप जो है पंचगव्य और बहुत सारे जो ना रूरल व्यवसाय को छोड़ेंगे, आप रूरल व्यवसाय को क्यों पैदा करना चाहते हैं, आप समृद्धता को क्यों पैदा नहीं करना चाहते हैं? तो मैं डावरी जी को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, तो आप मेरी कई किसानों बार और उन तक पहुंचने की व्यवस्था इसके माध्यम से कर लेंगे। नहीं, मेरे पास उनका नंबर है, मेरे बातचीत होती है उनसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मॉडल ला रहे हैं, क्योंकि हाँ, ये तो डिजिटल मॉडल है, आईटी का यूज करके बनाया है ना। ये सब कुछ मॉडल है, इसमें स्किल डेवलपमेंट है, इसमें पावरफुल सपोर्ट सिस्टम है, इसे जो चाहिए ये मॉडल खुद ही पैदा करेगा, राइट? और ऐसे सभी लोगों को जोड़ेगा। बाय पहला उसका काम ये है कि इन लोगों की पहचान की जाए, ठीक है ना। दूसरा काम है कि इस बात की चिंता मतलब करने की बजाय कि वो आपके पास आए, उनको पहचान करके उनके पास जाया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, उनकी जो जिंदगी की तपस्या है उसको पहचाना जाए, और उसे जो क्राइम फ्री भारत का मॉडल है, ज्वाइंट वेंचर मॉडल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जो है अडॉप्टेड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नाम दिया है फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। और हाँ, तो ये फार्मर सभी प्रोड्यूसर कंपनी, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया है, ऑर्गेनाइजेशन। FPO, और ये बाकायदा रजिस्टर्ड बॉडी होंगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में ये है कि जो फार्मर्स इसके हिस्सा बनेंगे उन्हें 2,000 रुपए देंगे, और दे विल बिकम द स्टेक होल्डर विद द 2,000 रुपीज। तो वो कंपनी जो भी चीज पैदा करेगी, जो उसको अर्थ लाभ होगा, वो फार्मर्स को और जो भी उसका हिस्सा होगा उसे बराबर यूनिट में डिविडेंड मिलेंगे। तो गवर्नमेंट की इस स्कीम का भी फायदा उठाया जाएगा, क्योंकि इसमें नाबार्ड का बहुत ही रियायती दर से जो है ना फंड अवेलेबिलिटी भी है। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल मॉडल है, हम तो कह रहे हैं हमें फंड की जरूरत ही नहीं, राइट? लेकिन ये बात जो है तब चालू होगी जब पहिया चल जाएगा, राइट? पहिया को चलाने के लिए तो फंड की जरूरत होगी, राइट? तब हम इन चीजों के लिए उसका यूज करके कर पाएंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जरा आप इसको ध्यान से सुने, ठीक है ना। और मेरा ये नंबर आपका मालूम नहीं कैसे जो है ना वो हो गया था, तो इट वॉज कमिंग एज ए अननोन नंबर, तो मैं इसे सेव भी कर लेता हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि आप जो है अपने तमाम, यदि 5-6 संस्थाएं हैं जो भी हैं, तो उनको आप जरूर कोई ना कोई आपने नेटवर्क तैयार किया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा, तो मैं चाहूंगा कि उन सब ग्रुप में आप मुझे जोड़ दीजिए, और उसमें मुझे एडमिन भी बना दीजिए, ठीक है ना। और फिर जो है अपन उन लोगों की सूची बनाना चालू करें जो आपके ऑलरेडी नेटवर्क में हैं, और उनके माध्यम से जो सही कर्मयोगी और तपस्वी हैं उनकी सूची बनाएं, राइट? और उनको पहुंचे, और उनके जो अनुभव हैं, जो उनकी साइंस है, उसको एक ग्राउंड पे इंटीग्रेट करते हुए CFB मॉडल के तहत, जो कि अवेंडेंस मॉडल है, वहां धन जो है ना बाधा ही नहीं बनने वाला है, उस मॉडल से जो है हम उसको जमीन पे उतार देंगे। अब ये सोचो कि सबसे कम पाने वाले की परचेजिंग पावर 48,000 रुपीज होगी, और वो 48,000 रुपीज में अमृत खरीदेगा, आज का जहर नहीं खरीदेगा, आज का वो 1 रुपए और 2 रुपए किलो वाला सड़ा हुआ गेहूं या चावल नहीं खरीदेगा। और उसके बोट को कोई भी व्यक्ति फ्री भी बांट के, दारू बांट के, और ऐसा नहीं खरीद पाएगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब वही सही है कि अवेयरनेस आ जाए, कि आदमी अपने आप को समझ जाए, तो वो बिकेगा नहीं राजनीति से। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप उसको सुन के और फिर मुझसे जरा अपन बात करेंगे, और जरूरत होगी तो एक बार फिर से जो एक सेशन और करेंगे अपन, राइट? और उसमें जो है ना आपके जेहन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, जैसा कि हमने अतुल जी के सभी प्रश्नों का जवाब दिया है, हम पूरा योजना के तहत उसका जवाब देंगे कि आपके दिमाग में जो संशय है वो कैसे जमीन पर उतरे। तो जिस किसी के भी मॉडल है, यदि उसमें कोई अच्छाई है, तो क्राइम फ्री भारत इज रेडी टू मॉडिफाई एंड इनकॉर्पोरेट इन अवर विजन, क्योंकि जमीन पे तो एक ही विजन उतर सकता है,
सही यदि बात मल्टीप्लिसिटी कर देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ना ये वजन उतरेगा ना वो वजन उतरेगा, ठीक है ना। तो सब लोग एक साथ जुड़े और उस विजन को जो है ग्राउंड पे उतारने के लिए जो भी प्रयास हैं उन पे चर्चा भी करें और उसे जमीन पे हम उतारें भी। मेरा ऐसा मानना है कि ये संभव है और बहुत जल्दी संभव है और 2024 के पहले ये जमीन पे अपन को कर दिखाना है। जी जी जी। और आगे 2016 से हमने यही प्लान किया था कि एक साल के अंदर हमारा स्वास्थ्य क्रांति कॉन्सेप्ट जो है पूरे देश में जाना चाहिए। हमें कह रहे हैं कि आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं उन हर कॉन्सेप्ट पे अलग अलग अपन चर्चा रख लेंगे, राइट, जिससे कि कंफ्यूजन भी ना हो, मिक्स भी ना हो। और आपके जो बात को पूरी सुनने के बाद हम उसको जो है ना क्राइम फ्री भारत में मॉडल में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो भी हम उसी समय आपको बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है जी। तो एक्चुअली में क्या है, इट विल बिकम ए लार्जर पार्ट ऑफ द लार्जर मॉडल। तो चाहे चाहे जो है ना ये हो, चाहे मतलब भटे वत 3-4-5 जो भी चीज आप कह रहे हैं, ज्यादा भी कह रहे होंगे, तो उन सबको जब कभी आपको मौका लगे तो देखिए सदगुरु से एक बार लीजिए। मैं सदगुरु से बहुत पास में कनेक्टेड हूँ और मैं जो है ना मेरी कई मीटिंग हुई हैं। मैं जो है जो शिवरात्रि के समय जो आपके बड़े वो उनका वो हुआ है उसमें भी हम जो है ना आई वाज देयर विद माय फैमिली, राइट, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, राइट, आई वाज फिजिकली प्रेजेंट इन कोयंबटूर इन दैट। अच्छा, आपका स्वरूपानंद जी से कभी मीटिंग हुई थी? अरे कई बार। अच्छा, स्वरूपानंद जी का तो जो है ना एक समय था, स्वरूपानंद जी के जो है ना खाना नहीं पचता था। यदि मेरे जो है ना वो उनका उनकी आदत भी है कि वो जिस जिले में जाते हैं उसका एसपी कलेक्टर नहीं आता तो उनका खाना नहीं पचता है। तो चूंकि जो उन जिलों में आया वो जिसमें मैं था, तो हमारे कुछ मित्र लोग वहां गए हुए हैं, को भक्त हैं वो, तो अभी उन्होंने 2 दिन का बड़ा कार्यक्रम किया था कोटे गांव में, अब वो मुझे भी बुला रहे हैं एक्चुअली हमारे भक्त लोग कि यार आपको स्वामी जी से मिलवाना है। नहीं, मैं स्वरूपानंद जी से बहुत नजदीक से मिला हूँ, वो कई जगह मिला हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला हुआ हूँ, मेरा वो भी हुआ है। अब जो है ना मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, मुझे कर्म योगियों से मिलने का शौक है, ठीक है ना। और इन लोगों से भी इनका आशीष जरूर लेंगे, लेकिन लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि अब हम कर्म योगी को जोड़ के बातें करना बंद करें, उसे जमीन पे उतारें, काम पे लग जाए। सही, बिल्कुल, क्योंकि ये बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी और आपकी बातों को ही कोई ग्राह्यता भी नहीं है, क्योंकि दुष्ट लोगों ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। अब देखो, जैसे मान लो मैं केजरीवाल को सबसे बड़ा दुष्ट मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि वो एक IIT का पढ़ा लिखा बंदा था, उसको मैग्सेसे अवार्ड मिला था, उसने NGO भी चला रहा था, वो अच्छा काम कर रहा था, फिर उसने अन्ना हजारे जी का दुरुपयोग करके उनको जो है ना एक फालतू की पाठ पड़ी, उस जो है ना लोकपाल बिल बन गया है, लोकपाल जी को सुशोभित हुए भी 4-5 साल हो गए हैं। आपको मालूम है कि आपके देश के लोकपाल जी कौन है? नहीं, हमें लोकपाल का मतलब बना तो दिया था इन्होंने, मोदी जी ने बाद में बनाया, शायद कब बनाया था पता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आपने लोकपाल का नाम सुना है क्या? नहीं, लोकपाल का नाम तो सुना है, लोकपाल बिल आंदोलन है। नहीं नहीं, लोकपाल जो बने हैं इस समय, हु इज लोकपाल ऑफ इंडिया? नहीं, वो नहीं सुना। तो वो कितना रहस्यमय व्यक्ति जो है ना लोकपाल बना है कि लोग उसका नाम भी नहीं जान पाए, और इस ऐसे ऐसे एक्ट और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप कह रहे हैं कि हम देश का भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ये जो है बेढंगी सोच और बेढंगे मॉडल का जो है ना प्रतीक है। तो इस मॉडल का यूज किया गया, एक समय ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लोग उसकी तरफ बहुत आशा से देख रहे थे। सपने तो वो देख ही रहा होगा। नहीं, सपने अपने छोड़ दीजिए, लोग बाग उसे जो है ना उसकी तरफ इतनी आशा से देख रहे थे। अब तो कभी नहीं होगा वो, क्योंकि ही इज ए फ्रॉड। अब तो कभी नहीं होगा वो, ही इज ए फ्रॉड। नहीं, हमारा तो टारगेट है कि अगला जो चुनाव होगा दिल्ली का, वहां नॉन पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट जो है सत्ता में आएगा। आप उसको छोड़ दीजिए, आप तो अपना कद बड़ा करिए, आप तो जो है ना देश को व्यवस्थाली बनाइए, ये सब नंगे हो जाएंगे। हमने जो है क्राइम फ्री भारत एक मॉडल के साथ आ रहा है, इलेक्शन फ्री भारत। अब यदि मान लो अज्यूम करिए कि हम एक इलेक्शन फ्री भारत को, सॉरी एक्सपेंडिचर फ्री भारत, राइट, इसमें एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन होगा। अब यदि एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन होगा तो लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, तो लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ मेरिट के क्राइटेरिया बनाना पड़ेंगे। जैसे कि आप जो है ना अभी आप DGP बनाना चाहते हैं तो UPSC एक पैनल बनाती है मेरिटोरियस लोगों की, राइट,
तो हमें वो सिस्टम खोजना पड़ेगा कि हम क्या क्या चीज देखें, तो ऐसे पांच लोगों का जो है ना कैंडिडेट की एक मेरिट लिस्ट बनेगी, राइट, जिसके लिए कोई अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी, जिसकी बहुत स्क्रूटनी होगी, जिसकी पब्लिक डिबेट होगी, राइट, और इसके बाद उन पांच लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा जी। वो चुनाव के तहत होगा। तो पब्लिक को चुनने की स्वतंत्रता क्रिमिनल्स को अपने आप खत्म हो जाएगी। बराबर, मतलब हम तो कह रहे हैं कि पब्लिक चुनना चाहती तो भी चुनने का ऑप्शन नहीं रहेगा उसे, राइट जी। अच्छा, दूसरी बात है कि जब ये पांच लोग होंगे तो ये करोड़ों लोगों में से पांच लोग चुन के आएंगे, पांच लोग छटके आएंगे, तो ये बहुत अच्छे होना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे अच्छे लोग जो है वो कई बार जमीन पे अच्छा काम करने में उनको कोई रुचि नहीं होती, जैसे अभी लोकपाल महोदय हैं कि इतने बड़े पद पे बैठ गए हैं, उन्होंने धेले भर का उनका नाम भी लोगों को मालूम नहीं पड़ पाया, तो ऐसे लोगों से क्यों करें? आपकी जो अभी एमएलए एमपी बनते हैं वो एक कई बार जो है ना पूरे सेशन में ही नहीं जाते हैं, और कई बार जो है ना उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। तो यदि आप जनप्रतिनिधि बन गए, पांच लोगों में भी आ गए, तो अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो योर परफॉर्मेंस इन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दैट विल आल्सो बिकम एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो आप खूब पांच में आ जाएं, लेकिन यदि आपने परफॉर्म नहीं किया तो अगली बार आई यू विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी पार्टिसिपेंट। बराबर, तो हम जो है परफॉर्मेंस का एलिमेंट भी ले आएंगे, अकेला मेरिट नहीं, परफॉर्मेंस का एलिमेंट। तो ऐसे बहुत आमूल चूल जो है ना सुधारों की जरूरत है जी। तो आई डोंट नो, आपने क्राइम फ्री भारत में मुझे सुना होगा, हमने कहा कि पांच सर्टेनिटी की जरूरत है, जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, साधारण पुलिस ऑफिसर आपके ऑफेंस को डिटेक्ट कर ले, ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें बिना कोर्ट में जाए हुए वीडियो बेस्ड कोर्ट ट्रायल होगा और वो 24 घंटे चलेगा, 7 दिन में जो है ना केस में जो है निर्णय दिया जाएगा, और उसको यदि प्रेसिडेंट तक का जो है कंसिडरेशन अपील या दया याचिका वो 6 महीने में निकल जाना, खत्म हो जाना, ऐसी व्यवस्था सीएफबी की सोच है। क्योंकि जब तक हम ऐसे आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन नहीं लाएंगे तो ये दुष्ट लोग जो है इस देश को गवर्न करेंगे, ये दुष्ट लोगों की चाल चलेगी, जहां 42% लोग जो है ना अपराधी हो चुके हैं, इसको हमने नाम दिया है पॉलिटिकोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिशियन बाय द पॉलिटिशियन ऑफ द पॉलिटिशियन बाय द पॉलिटिशियन एंड फॉर द पॉलिटिशियन। और जैसे ही 8% बढ़े जाएंगे तो इनकी संख्या 50% से ज्यादा होगी, तो फिर इट विल बिकम द गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स बाय द क्रिमिनल्स ऑफ द क्रिमिनल्स बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स, इन्हीं की पुलिस होगी। तब आप में कितने डंडे पड़ेंगे जरा अंदाज लगा लीजिए, हर अच्छे सोचने वाले का जो ना जीवन संकट में होगा। अभी आप जो कुछ कह पा रहे हैं आगे वो भी नहीं कह पाएंगे। सही बात, और अच्छी बात है, चलिए अपन जुड़ते हैं सर। तो मैं आपसे अनुरोध ये करता हूँ कि आप कृपया जो है आज जो हमारा वीडियो है जो हम सीए अतुल जैन जी से चर्चा कर रहे हैं उसे देखिए। आई होप कि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, मुझे ध्यान नहीं है। तो अभी आप जो है ना यूट्यूब चैनल को सर्च करिए, उसमें जो है ना क्राइम फ्री भारत लिखिए, तो आपको मेरा फोटो भी दिख जाएगा और चैनल भी दिख जाएगा। तो सबसे पहला जो है ना उसको सब्सक्राइब करिए, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है ना आज का वीडियो जो है ना सबसे टॉप पे दिख जाएगा, वो दैट इज माई डिस्कशन विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल जैन, राइट जी। उसमें हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा विवेचन किया है, पूरी चर्चा की है, 1.5 घंटे की चर्चा है, राइट। उसे ध्यान से सुनिए और उसमें अपने लिए भूमिका खोजिए जी, क्योंकि अब दूसरों की भूमिका तो बहुत हो गई है, हम इस मॉडल में क्या रोल अदा कर सकते हैं, और फिर हम आपकी हर भूमिका जो कि आपने 4-5-6 भूमिकाएं कही हैं, हर भूमिका के लिए डेडिकेटेड सेशन करेंगे कि आपकी सोच और सीएफबी उसे इंटीग्रेट करके सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के मॉडल में जमीन पे कैसे उतारे विथ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और किसी को भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैल्यू सिस्टम तो बहुत खराब हो गया है, चाहे कितनी भी कोई अच्छी बात करे, वो अच्छी बात करने वाले को भी जब मौका मिलता है तो काम वो गंदा ही करता है, राइट। तो किसी को भी गंदा काम करने की जो है ना हिम्मत नहीं होना चाहिए, सिस्टम खुद पकड़ ले, खुद प्रोसिक्यूट कर ले, उसके अंदर खुद दंड की व्यवस्था हो जी। और वो भी लगभग ऑटोमेटेड तरीके से जी। तो आप उसे ध्यान से सुनिए
मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीजों के जवाब खुद मिल जाएंगे, राइट। और फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। और इसे सब लोगों तक पहुंचाइए, उनसे भी कहिए कि वो YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत से जुड़े। और बहुत जल्दी हम जो है क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप को जारी करने वाले हैं। इट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड संस्था है, इसका नाम है आत्मनिर्भर श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था, इसका टेक्निकल नाम ये है, राइट, जिसका पहला मिशन है क्राइम फ्री भारत जी। तो इसमें जमीन के नीचे जितने भी अच्छे काम हैं वो सब इसके ऑब्जेक्टिव में सम्मिलित है, जो धीरे धीरे करके हम जमीन पे उतारेंगे जी। ठीक है ना, तो इसी भाव के साथ इस वार्तालाप को यहीं पे अपन विराम करते हैं। और फिर आप इसको देख लीजिए, जब आप हमसे बातचीत करके जिस समय मांगेंगे तो अपन बैठ के जो है लाइव चर्चा भी कर लेंगे, जिससे कि दूसरे लोगों को भी मालूम पड़े कि हम क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, कैसे से जमीन पे उतारेंगे। क्योंकि आज के समय में तो वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो उसके चारों तरफ इतने नेगेटिव अनुभव हैं कि सहसा किसी पर भी विश्वास करने का दिल नहीं करता है, है ना जी। चलिए, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।